नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। तो दोस्तों, आजकल लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कई बीमारी तो ऐसी होती हैं जो डॉक्टर की नज़र से भी छुपी ही रहती हैं, और इन बीमारियों का अच्छे से पता लगाने के लिए या तो एक्सरे किया जाता है या फिर MRI स्कैन का सहारा लिया जाता है। तो अब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि MRI क्या होता है। एक्सरे तो हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो क्या होता है और वो कैसे किया जाता है, लेकिन MRI स्कैन क्या होता है और कैसे और क्यों किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं MRI स्कैन यानी कि MRI टेस्ट क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। MRI मशीन में पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव्स कंप्यूटर की मदद से आपके शरीर के अंदर के छोटे छोटे भाग की फोटो ली जाती है। यह हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन को एक साथ मिलाकर उनकी फोटो लेता है। तो दोस्तों, MRI क्या होता है यह तो हमने जान लिया, लेकिन MRI स्कैन क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। MRI स्कैन की वजह से मेडिकल साइंस की खूब तरक्की हुई है, क्योंकि MRI स्कैन की वजह से डॉक्टर हमारे शरीर में किसी भी तरह का उपकरण पहुंचाए बिना शरीर के अंदर के अंगों को काफ़ी सटीकता से देखकर जांच कर सकते हैं। MRI स्कैन किसी भी प्रकार की चोट पर किसी भी प्रकार के रोग के इलाज में डॉक्टरों की बहुत मदद करता है। MRI स्कैन की वजह से यह भी पता लगाया जा सकता है कि मरीज पर लागू किया गया इलाज कितने अच्छे से काम कर रहा है, सोते हुए मरीज का दिमाग कैसे काम करता है, या कोई इम्पॉर्टेंट काम करते हुए दिमाग का कौन सा हिस्सा ज़्यादा काम करता है, यह सब बातें MRI स्कैन से पता लगाई जा सकती हैं और दिमाग से जुड़ी हर प्रॉब्लम का पता लगा लेते हैं। तो अब बात आती है कि MRI स्कैन कैसे किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि MRI स्कैन कैसे किया जाता है। MRI स्कैन करने से पहले डॉक्टर मरीज के सारे कपड़े उतरवा कर उसको एक अलग किस्म का सफ़ेद या हल्के नीले रंग का कपड़ा देता है, और MRI स्कैन होने से पहले मरीज से धातु की सारी चीज़ें निकलवा ली जाती हैं, जैसे अंगूठी, घड़ी, कड़ा, चूड़ा इत्यादि। फिर उस मरीज को MRI स्कैनिंग मशीन की टेबल पर लिटा दिया जाता है और उसको उस मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, और फिर मशीन में उपस्थित मैग्नेटिक और रेडियो तरंगों की वजह से और कंप्यूटर की मदद से उस इंसान के शरीर के अंदरूनी अंगों की पिक्चर्स ली जाती हैं। इन पिक्चर्स की मदद से डॉक्टर आसानी से पता लगा लेते हैं कि उस इंसान को क्या बीमारी है और वह बीमारी कितनी पुरानी है। MRI स्कैन की वजह से हमारे शरीर की छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी पता लगाया जा सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरी बॉडी का MRI स्कैन करवाएं। आपको जिस जगह पर चोट लगी है या जिस जगह का MRI स्कैन करवाना हो, आप उस जगह का MRI स्कैन करवा सकते हो। तो दोस्तों, MRI स्कैन करवाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। MRI स्कैन करवाने से पहले आपको यह ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके कान, दांत या हड्डी में कोई लोहे की या किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक धातु, अंगूठी, चैन जैसी चीज़ें डाली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो डॉक्टर को पहले ही बता देना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है या आपने कोई सर्जरी करवाई है, तो उसकी भी जानकारी डॉक्टर को दे देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, MRI स्कैन मशीन के कमरे में आपके साथ कोई भी धातु की चीज़ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि MRI मशीन की चुंबकीय पावर बहुत होती है और वह धातु की चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती है और MRI टेस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी MRI स्कैन से जुड़ी हुई बातें। MRI स्कैन क्या है, MRI स्कैन का फुल फॉर्म क्या है और यह क्यों और कैसे किया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।